हॉस्पिटल बनने का रास्ता साफ हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल 5,462 बेड का होगा, जहां 250 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। इससे अगले 7 साल में पूरी तरह बनकर तैयार करने की योजना है। हॉस्पिटल को नए सिरे से बनाने में 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए जाने और राशि खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने दे दी है। हॉस्पिटल अशोक राजपथ और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने बिहार के 69 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया है। पहले ही सरकार ने 206 प्रखंडों को सूखे की चपेट में रहने की घोषणा की थी। अब कुल मिलाकर 275 ब्लॉक सूखे की चपेट में है। सूखे से निपटने के लिए नीतीश कैबिनेट ने 1450 करोड़ की राशि कंटिजेंसी फंड में स्वीकृत की है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज जो है, जो काफी दिनों से आप इसके बारे में लिख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5,462 बेड के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए आज राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा 5,540 करोड़ 7 लाख रुपए